सुकून, ये सब चीज़ें खाने से, पहाड़ों में आने से ना, जो बचपन में हमने खाया है, और ये इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें खाने में को मिलते हैं ना यहाँ के, तो सुकून मिलता है। आप भी खाइए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। मैं हूँ पहाड़ से, सीधे पहाड़ से आपको कनेक्ट हो रहा हूँ। आजकल मैं हूँ लगभग हफ्ते भर के लिए यहाँ पे, और आज हम टूर कर रहे हैं और थोड़ा सा गांव की तरफ हम जा रहे हैं, अपने ताई से मुलाकात करने, ताई और ताऊ से। और आप लोग बने रहिए वीडियो में, रास्ते में आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जो हैं ना पहुंच चुके हैं हमारे ताई जी के घर, और ये हमारी ताई जी हैं, मेरी मम्मी की बड़ी बहन। तो आज ताई जी से मुलाकात थी। ताई जी आ आदिया कराई, ये ताई जी हाय बोल रहे हैं। और आज ताई जी से मुलाकात थी, तो ताई जी का हाल जानने आए थे। और अभी अभी तक तो तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है ताई जी का, और ये बहुत प्यार करते हैं हमें, इसलिए हम जब भी आते हैं तो ताई जी से मुलाकात करने यहाँ डेफिनेटली आते हैं। और आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, थोड़ी देर में ताऊ जी भी आने वाले हैं, तो उनसे भी मुलाकात कराते हैं आपका। दोस्तों, ये हैं हमारे ताऊ जी। ताई जी से तो मैंने मुलाकात करा दी आपकी, और ये हमारे ताऊ जी हैं। ताऊ जी साफ कर रहे हैं पालक की सब्जी। ये पालक के पत्ते देखिए तैयार कर रखा हुआ है, और ये खाएंगे आज लंच पर पालक की सब्जी। और हम तो अभी निकल रहे हैं, थोड़ा काम है दूसरी तरफ, और पीछे हमारे और एक चचा और बैठे हुए हैं। तो एक बार हाय हाय कीजिए एक बार। हेलो हेलो कह दिया। तो दोस्तों, हमारी अब मुलाकात ताई से हो गई है, और ताऊ जी से मुलाकात कर दी हमने। अब कहते रहते लंच करके जाओ, बट लंच करने के लिए टाइम इतना नहीं है, कुछ और कमिटमेंट है, कहीं और काम है। चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, सांसे चढ़ रही हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। एक बार बार देखते रहिए, अभी हल्की सी धूप आ गई है, सुबह मौसम बहुत खराब लग रहा था, अब हल्की धूप आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ले ओए, दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला, ले 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 ले। रास्ते में हो गई मुलाकात दाढ़ी वाले से। ये है गोल्डन रिट्रीवर ओरियो, ओरियो ने मचार का कमाल, ओरियो बिस्किट। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं पहाड़ों की जर्नी, इतना नीचे से चल के आना होता है ऊपर, और चलते चलते जिसको सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, दुबर हो जाएगा। और कोशिश ना करें, अगर आप वेल क्लाइंबर हैं, पहाड़ों में जितना चढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली पैदल रास्तों का इस्तेमाल करें। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, इस उम्र में दमा लग रहा है अभी। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घर, और यहाँ लगी है हल्की सी धूप। घर में पहुंचते ही एक सरप्राइज मिल गया, मम्मी ने मेरे लिए बनाए हैं भटके डुबके। ये देखो, इसमें पकड़ा है भटके डुबके हमारे चूल्हे में, और मम्मी ने बनाए हैं
यहाँ दो टाइप के भट, और एक और वाइट भट भी मिलता है, सफेद भट। सफेद भट का डुबका है, उस पे धुंआर का तड़का लगा हुआ है, अंदर कुकर में जो है बन रहा है भात, हम इसमें खाएंगे ये भटके डुबके। इनफैक्ट मैंने ले लिया है कटोरे में भटके डुबके यहाँ पे, और इसको पीऊँगा मैं सूप की तरह। सुकून, ये सब चीज़ें खाने से, पहाड़ों में आने से ना, जो बचपन में हमने खाया है, और ये इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें खाने में कोई मिलते हैं ना यहाँ के, तो सुकून मिलता है। आप भी खाइए। तो दोस्तों ये हमारे गांव की हाईटेक खेती कर रहे हैं हम लोग, देखो फुरफुरी लगी हुई है जिससे पानी को हम वितरण कर रहे हैं सब जगह। दोस्तों ये ठहरी गांव की जो है, अपना आग जला के बैठो आराम से और एंजॉय करो, एकदम सुकून चैन, दौड़ भाग से दूर, कुछ नहीं करना होता यहाँ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ, कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।